हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड में से वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेट इज ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं आज? ब्लड ग्रुप। व्हाट इज ब्लड ग्रुप? क्या है ब्लड ग्रुप? आ रहा समझ में? सो ब्लड ग्रुप डिस्कस करने से पहले हम एक कहानी देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। यस, तो क्या हो रहा था एन एंशियंट टाइम इन द 19 एरास और 18, यस, क्या हो रहा था, जब भी किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, आ रहा समझ में, तो किसी भी अनदर पर्सन का या फैमिली मेंबर्स का ब्लड लिए और ट्रांसफ्यूज कर दिए। तो कभी तो फायदा हो जाता था, मतलब जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता था, बढ़ जाता था, कोई भी रिएक्शन नहीं होती थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा था। बट कुछ पेशेंट्स में इवन आफ्टर उसके ब्रदर का, सिस्टर का, मदर का होने के बाद भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हम कर रहे थे, यस, उसमें क्लंपिंग रिएक्शन हो रही थी। क्या हो रही थी? क्लंपिंग रिएक्शन, मतलब एग्लूटिनेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? एग्लूटिनेशन। आ रहा समझ में? एग्लूटिनेशन हो रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी मेडिकल साइंस की। इसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था कि यार अभी तो कल ही ब्लड ग्रुप अपन ने किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज करा तो कुछ नहीं हुआ, आज किया तो कुछ हो गया, तो एरर कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, यस। और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी रही, बहुत दिक्कत गई कि ये कभी कभी डर भी लगे कि कैसे ब्लड चढ़ाएं, ऐसा ना हो कि जो पेशेंट को हम, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई थी उसी पेशेंट में करें जिसको ब्लड की कमी है, मतलब वो सीरियस हो सकता है, तो पता चल रहा कि हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण सीरियसनेस और बढ़ जाए, इमरजेंसी कंडीशन और बढ़ जाए, तो ये भी एक दिक्कत की बात है, यस। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इन 1901 में। कब? इन 1901 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक साइंटिस्ट ने, कार्ल लैंड स्टेनर ने। कार्ल लैंड स्टेनर ने इन 1901 में, 1901 में ब्लड ग्रुप खोजकर ये जो प्रॉब्लम है, इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। इसके कारण इनको नोबल प्राइज मिला, इसको खोजने के कारण, इसकी डिस्कवरी के कारण, किसकी डिस्कवरी? ब्लड ग्रुप। इनको नोबल प्राइज से ऑनर्ड हुए ये, आ रहा समझ में? हालांकि इनमें 29 साल का गैप हो गया, क्योंकि नोबल प्राइज कब मिला? 1930 में, 1930 में, 1930 में, 29 साल बाद जाके, यस, इन्होंने जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी थी, दैट इज द ब्लड ग्रुप, उसके लिए इनको एक नोबल प्राइज मिला। वो साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड स्टेनर। आ रहा समझ में? क्योंकि नोबल प्राइज मिला है, यस, तो हमको इनके बारे में और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है। क्या है? ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट। ये जो कार्ल लैंड स्टेनर है, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट हैं, थे मतलब, यस, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंड स्टेनर डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप इन 1901 एंड गॉट नोबल प्राइज इन 1930। आ रहा समझ में? और इन्होंने दो ब्लड ग्रुप को खोजा, दो ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी करी इन्होंने। पहला है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और मतलब एक एबीओ ब्लड ग्रुप है और एक है आरएच ब्लड ग्रुप, यस, आरएच ब्लड ग्रुप। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, आ रहा समझ में, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप दोनों की मैचिंग करना मैंडेटरी है, अदरवाइज क्लंपिंग रिएक्शन हो जाएगी। आ रहा समझ में? सर और कितने टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम है? देर आर 20 टाइप्स और मोर देन 20, 20 या 20 से अधिक, 20, मोर देन 20। आ रहा समझ में? ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आ रहा समझ में? ठीक है,
हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। यस, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यस, इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यस, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यस, यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर ने इस सिस्टम को कैसे दिया, तो उन्होंने देखा कि आरबीसी की सरफेस पर कुछ एंटीजन प्रेजेंट है। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देर आर सम एंटीजन्स आर देयर। यस, देख लेते हैं हम। यस, ये आरबीसी है। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देर आर सम एंटीजन्स प्रेजेंट, दैट एंटीजन्स डिनोटेड बाई अल्फाबेटिकल वर्ड डेट इज द ए एन बी। ओके, जो इंग्लिश के अल्फाबेटिकल्स हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यू नो वेरी वेल, आ रहा समझ में? और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि इन्होंने ए को लिया, बी को लिया, एक्स वाई जेड भी ले सकते थे। यस, तो इन्होंने क्या देखा, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी है, अंदर पूरा ब्लड फील्ड है, ये फुल रेड इन कलर है, इसमें देखा देर आर सम एंटीजन्स आर देयर, कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट है। ये एंटीजन कैसे दिख रहे हैं, ये, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यस, ये जो एंटीजन्स हैं, दीज एंटीजन्स का जो इन्होंने नाम दिया, इसका नाम दे दिया ए एंटीजन। क्या नाम दे दिया? ए एंटीजन। यस, ठीक है। अच्छा, कुछ आरबीसी की सरफेस में जब इन्होंने स्टडी करी, तो कुछ आरबीसी की सरफेस में इन्होंने क्या देखा, कुछ आरबीसी की सरफेस में इन्होंने कोई दूसरे एंटीजन देखा, उस दूसरे एंटीजन का नाम इन्होंने बी दिया, बी एंटीजन। ओके, दिख रहा है आपको? यस, इसको थोड़ा डार्क कर ले रहे हैं, एक्चुअली ये पूरी तरह से कम्प्लीटली फिल्ड विद द ब्लड, यस और नॉट? ठीक है, बट इसमें अपना काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए आपको समझाने के लिए, यस, इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ। यस, ये पूरी तरीके से ब्लड से फिल्ड है। यस, हमने देखा जो ये साइंटिस्ट थे, ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला कि कुछ आरबीसी की सरफेस में ए एंटीजन है, कुछ आरबीसी की सरफेस में कोई दूसरा एंटीजन है, वो एंटीजन कौन सा एंटीजन है, ये बी, आ रहा समझ में? इसका क्या नाम दिया इन्होंने, बी एंटीजन, बी एंटीजन। ओके, कम टू द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोला है, आरबीसी की सरफेस पे देर आर सम एंटीजन आर देयर, दैट इज द ए एंटीजन और बी एंटीजन, एक का नाम इन्होंने ए दे दिया, एक का नाम बी एंटीजन दे दिया, आ रहा समझ में? और इन्होंने क्या देखा कि ये जो एंटीजन है कहां पर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ, कहां पर देखा ये, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सरफेस मतलब सेल मेम्ब्रेन में देखा, ठीक है, मान गए? यस, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा, ये तो आरबीसी की सरफेस हो गई, मतलब ब्लड हो गया, और इन्होंने सीरम में क्या देखा, सीरम, यू नो वेरी वेल, यस, जब हम फाइब्रिनोजन निकाल देते हैं, यस, यस, प्लाज्मा में से, तो वो सीरम बन जाता है। इन्होंने क्या देखा सीरम में, कि जहां पर जिस पर्सन की आरबीसी में ए एंटीजन है, क्या है, ए एंटीजन है, आ रहा समझ में, उसके सीरम में जो एंटीबॉडीज है वो इसके अगेंस्ट वाली नहीं है, आ रहा समझ में, इसके अगेंस्ट वाली नहीं है, मतलब एंटीबॉडीज तो है पर दूसरी वाली है, जैसे ये, यस, जिस पर्सन की आरबीसी में ए एंटीजन है उसके सीरम में, उसी पर्सन के सीरम में कौन सी एंटीबॉडी से, बी एंटीबॉडी, क्या है, बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती है, सीरम में, आ रहा समझ में? और जिस पर्सन के बी एंटीजन है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज है, ए एंटीबॉडी, हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं कि इन्होंने देखा, जब ये स्टडी कर रहे थे, इन्होंने डिस्कवरी कैसे करी कि जिस व्यक्ति के आरबीसी में ए एंटीजन है
उसी के शरीर में सीरम में हमको बी एंटीबॉडी मिली, ए नहीं मिली, क्योंकि एंटीजन ए का दुश्मन कौन है? एंटीबॉडी ए। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्लंपिंग रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए देखिए मैंने इस रिसेप्टर को, इस एंटीजन को ब्लैक से बनाया है। जब ये इससे बैठ के मिल जाएगा, समझ में आया, हिट करेगा तो इसको क्रैश कर देगा, क्लंपिंग रिएक्शन करेगा। और ये जो एंटीजन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये बी एंटीजन है, इसका अपोजिट है बी एंटीबॉडी। जैसे ही यहां पर हिट करेगा, इस आरबीसी को क्रैश कर देगा, मतलब क्लंपिंग कर देगा, एग्लूटिनेशन कर देगा। आ रहा समझ में? ठीक है, यस ठीक। और ये स्टडी करके कॉर्लैंड स्टेनर ने एक लॉ दे दिया, यस एक लॉ दे दिया, इस लॉ को बोलते हैं कॉर्लैंड स्टेनर लॉ, कॉर्लैंड स्टेनर लॉ। कॉर्लैंड स्टेनर लॉ क्या बोलता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इफ पर्टिकुलर इफ पर्टिकुलर इफ पर्टिकुलर एंटीजन इफ पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, यस इफ पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देयर करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज देयर करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एबसेंट इन सीरम, ये सीरम में एब्सेंट रहेंगी। आ रहा समझ में? यही तो हम पढ़ रहे थे कि यदि किसी के आरबीसी में पर्टिकुलर एंटीजन है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी, यदि होगी तो क्लंपिंग रिएक्शन हो जाएगी। आ रहा समझ में? ये एक लॉ दिया। दूसरा लॉ क्या दिया इन्होंने, इसी का आप उल्टा कर सकते हो, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे बताता हूं। इफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सीरम दे आर करेस्पॉन्डिंग एंटीजन्स मस्ट बी एब्सेंट ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसीज, यस। इन्होंने क्या बोला, इसी बात को घुमा के बोल दिया, क्या एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रेजेंट इन दी सीरम, यदि आपने सीरम में कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडीज देख ली, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंटीजन मस्ट बी एब्सेंट ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी। आप कहोगे सर ये तो जस्ट अपोजिट है, यस अपोजिट तो है, बट ये जो सेकेंड लॉ है इट डज नॉट एप्लीकेबल इन आरएच फैक्टर्स। ये आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है, यस आपको पूछा जाएगा, याद रखना है कि जो सेकेंड लॉ है इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आ रहा समझ में? सर ये क्यों नहीं है, आगे बताता हूं, यस जब हम आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे, यस ये दीज टू लॉ मस्ट बी रिमेंबर व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी ब्लड ग्रुप। जब आप ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको कॉर्लैंड स्टेनर लॉ पता होना चाहिए। आ रहा समझ में? यस। और ये लॉ के बाद इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दे दिया। कैसे, ध्यान दीजिए आप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या बोलता है कि इफ पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी दे आर करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट, यस ठीक है। ये जो ए एंटीबॉडी है इसको आप अल्फा एंटीबॉडी भी बोल सकते हो, और ये जो बी एंटीबॉडी इसको बीटा, ठीक यस। इन्होंने देखा कि कैसे हम ब्लड ग्रुप
को खोज सकते हैं। यस, तो किसी की एंटीबॉडी, किसी के शरीर में आरबीसी में ए एंटीजन मिला, किसी में बी एंटीजन मिला, किसी किसी में कोई भी नहीं मिला। यस, तो मैं इसको रब करके यहीं पे बता देता हूँ। यस यस, इन्होंने स्टडी करी, देखा। यस, इन्होंने क्या देखा कि कुछ कुछ पर्संस की, इंडिविजुअल की आरबीसी में ना तो ए एंटीजन है ना बी है, कोई भी नहीं है, और कुछ कुछ के इंडिविजुअल में ए भी है और बी भी है। तो पहले ए और बी दोनों देख लेते हैं। कुछ कुछ इंडिविजुअल में ए भी है और साथ में बी भी है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। नाउ एक केस क्या बोल रहा है, एक केस क्या बोल रहा है कि कोई भी एंटीजन नहीं है। आ रहा समझ में? ठीक है, और इस एंटीजन के बेसिस पे आप ब्लड ग्रुप निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? ब्लड ग्रुप। तो ऊपर मैं हेडिंग लिख रहा हूं, ब्लड ग्रुप। आ रहा समझ में? और यहां पर लिख रहा हूं एंटीबॉडीज। क्या लिख रहा हूं? एंटीबॉडीज। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। क्या पढ़ रहे हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यस, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एंटीबॉडीज। क्या लिख दिया? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट है? सीरम में। कहाँ प्रेजेंट है? सीरम में। ठीक, मान गए। जो ब्लड ग्रुप है, यस, ये किस बेसिस पे बताया गया कि यदि किसी इंडिविजुअल की आरबीसी में ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, यदि किसी केस में बी हो तो बी एंटीजन, यदि बोथ दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों प्रेजेंट है तो हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी एंटीजन, बोथ दोनों प्रेजेंट है, और यदि किसी के आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं है तो हो जाएगा ओ, ओ एंटीजन, मतलब ओ ब्लड ग्रुप। क्या हो जाएगा? ओ मतलब कोई भी, नो एंटीजन। क्या हो जाएगा? नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है। आ रहा समझ में? अच्छा, साइमल्टेनियसली क्या देखा इन्होंने कि उस बंदे की, उसी इंडिविजुअल के सीरम में ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी मिलेगी, यदि बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी मिलेगी, इफ बोथ द एंटीजन आर देयर, दो नो एंटीजन है तो नो एंटीबॉडीज, कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी उसके सीरम में, नो एंटीबॉडीज। आ रहा समझ में? और इफ देयर इज नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, आ रहा समझ में, कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसके सीरम में बोथ दी एंटीबॉडीज होंगी, बोथ ए एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी प्लस बी एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। क्या समझ में आ रहा है? बोथ ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी, जब कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और इस एंटीजन के बेसिस पे ही ब्लड ग्रुप होगा, मतलब इफ मेरे ब्लड में, मेरी आरबीसी में ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप। क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप, यहां पे बी ब्लड ग्रुप, यहां पे ए बी ब्लड ग्रुप, और जहां पे कोई भी एंटीजन नहीं तो ओ ब्लड ग्रुप। आ रहा समझ में? और एंटीबॉडीज तो आपके सामने है। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर जो दोनों एंटीबॉडीज होंगी, यस, वो एंटीबॉडी का भी मैं यहां डायग्राम बना देता हूं। यस यस, यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यहां पर दोनों एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है, हेंस कंप्लीटेड हेयर द ब्लड ग्रुप एंड एंटीबॉडीज। अब हम इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड ग्रुप को प्रोसेस कैसे करते हैं, मतलब डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। अब हेडिंग हो जाएगी डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है?
कॉन्सेप्ट है कि साहब आपको मैंने बता दिया, अब इसको ब्लड ग्रुप यदि आपको निकालना है किसी का, कैसे निकालोगे? डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के निकालने को क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लड ग्रुपिंग। इसका दूसरा नाम है ब्लड मैचिंग, ब्लड मैचिंग। और अनदर नेम है और ब्लड टाइपिंग, ब्लड टाइपिंग। मतलब ये तीनों नाम है, ध्यान रखना। आ रहा समझ में? नोन एज डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है उसके डिटरमिनेशन को या तो आप ब्लड मैचिंग बोल सकते हो, ब्लड टाइपिंग बोल सकते हो, या ब्लड ग्रुपिंग बोल सकते हो। यस, कैसे मैच करना है ध्यान दीजिए। यस, आप एक स्लाइड लेंगे। क्या लेंगे? एक स्लाइड लेंगे। सपोज ये एक स्लाइड ले लिया आपने, ठीक है, एक स्लाइड ले लिया आपने। इसमें से सर्कल्स बने होते हैं। यस, यहां पर आपने एंटी सीरम, क्या लिया? एंटी सीरम ए, एंटी सीरम ए। यहां पर क्या लिया? एंटी सीरम बी। क्या लिया? एंटी सीरम बी। और ये आरएच के लिए हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं, समझिए भैया। आपने एक एक ड्रॉप एंटी सीरम ए ले लिया, यहाँ पे, यहाँ पे एक ड्रॉप एंटी सीरम बी ले लिया, ले लिया। अब ध्यान से देखना, इसमें आप वन ड्रॉप ऑफ आरबीसी लेंगे, मतलब ब्लड लेंगे। एक ड्रॉप क्या लिया? एंटी सीरम। एक ड्रॉप क्या लिया यहाँ पे? ब्लड। ये मिक्स कर दिया। आ रहा समझ में? यस। अच्छा, एंटी सीरम ए में क्या होगा? एंटी सीरम में होगा ए एंटीबॉडी। क्या होगी? ए एंटीबॉडी। ए एंटीबॉडी को हमने ब्लैक से प्रेजेंट किया था, ये कर दिया, दोनों मिक्स कर दिए। अच्छा, एंटी सीरम बी में बी एंटीबॉडी, इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आ रहा समझ में? यदि यदि ए में एग्लूटिनेशन हो रहा है, मतलब जो एंटी सीरम ए और ब्लड, यदि इसको हम जब मिक्स करेंगे, पहले क्या करेंगे? यस, इसको ऐसे ऐसा मिक्स कर लेंगे एक से, फिर अनदर इसको मिक्स कर लेंगे। यस, ठीक है, हमने इसको मिक्स कर लिया देन डस्टबिन में, और फिर हम इसको रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट लाइक दैट। आ रहा समझ में? यस। सपोज ये है, ये एक प्लेट है, वन ड्रॉप टू ड्रॉप, देन इसको ऐसे ऐसा रोटेट करेंगे। यस, रोटेट करेंगे तो प्रॉपर मिक्सिंग होगी। यस, प्रॉपर मिक्सिंग होगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। थोड़ी देर बाद क्या होगा? इफ एंटी सीरम ए और ब्लड यदि क्लंपिंग हो गई, क्लॉटिंग हो गई, मतलब एग्लूटिनेशन हो गया, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। यदि ए में नहीं हुआ, बी में हुआ क्लंपिंग, तो क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी। क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप बी। यदि दोनों क्लॉट हो गए तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। यदि कोई भी क्लॉट नहीं हुआ, ना ए क्लॉट हुआ ना बी क्लॉट हुआ, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। अच्छा, जब आप इसको मिक्स करोगे, यदि आपको कंफ्यूजन है कि ये क्लॉटिंग हुई या नहीं, क्लॉटिंग मतलब एग्लूटिनेशन हुआ या नहीं, क्लंपिंग हुई या नहीं हुई, आ रहा समझ में? ठीक है, तो क्लंपिंग को देखने के लिए थिक मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थिक मास, मतलब जहां पर क्लंपिंग होगी, ब्लड और एंटी सीरम आपस में क्लैश करेंगे, क्लंपिंग करके इसे दही बनता है ना, फट जाता है, दूध फट के दही बनता है, ऐसे इसमें आरबीसी आपको क्लियरली दिखेगी। आ रहा समझ में? और यदि वो क्लंपिंग नहीं हुई, तो वहां पर ब्लड मिक्स हो जाएगा और क्लियर फ्लूड दिखेगा, मतलब एग्लूटिनेशन नहीं दिखेगा, मतलब वो जो रेड कलर का आपने ब्लड डाला था वन ड्रॉप, वो क्लियरली मिक्स हो जाएगा, मतलब डिसअपीयर हो जाएगा, और वहां पर ऐसे दाने दाने दाने, मतलब दही जैसा होता है वैसा नहीं दिखेगा। और यदि आपको कन्फ्यूजन है, देख फिर भी नहीं रहा, नेकेड आई से नहीं दिख पा रहा है, तो आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। काय में देखेंगे? माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कन्फ्यूजन तो खत्म ही हो जाएगा, वहां पे तो क्लियरली दिखेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यस, हैंस कंप्लीटेड हेयर डिटरमिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। आ रहा समझ में? यस,
यदि ए क्लॉट हुआ ए ब्लड ग्रुप, बी क्लॉट हुआ बी ब्लड ग्रुप, दोनों क्लॉट हो गए ए बी ब्लड ग्रुप, आ रहा समझ में, दोनों क्लॉट नहीं हुए ओ ब्लड ग्रुप। और सर ये थर्ड वन क्या है, ये आरएच का है, यस आगे देख रहे हैं। अभी तो आपको ए ब्लड ग्रुप पता चला, बी चला, ए बी चला, ओ चला, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिल रिमेनिंग जो कि हम आरएच में पढ़ेंगे, आ रहा समझ में, यस। तो ये तो अभी हो गया, अभी हम आगे देखते हैं। यहां तक कुछ पूछना है, क्लास समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, यस ठीक है, यस कोई डाउट हो तो एक बार आप इसको फिर से देखें, यस आपको कैच हो जाएगा, यस ठीक, आगे बढ़ते हैं, यस। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप में पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, यस। सो ब्लड ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है, आ रहा समझ में, तो ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जब आप नीडी पेशेंट, मतलब जिसको ब्लड चाहिए वो रेसिपिएंट हो गया, जो ब्लड दे रहा है वो डोनर हो गया, इन दोनों का ब्लड जब मिक्स करेंगे, आ रहा समझ में, इसके लिए आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, आ रहा समझ में, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले देखते हैं जो ब्लड दे रहा है, ओके, कोई इंडिविजुअल अपना ब्लड दे रहा है, ब्लड डोनेट कर रहा है, उसको बोलेंगे डोनर, क्या बोलेंगे डोनर, और जो ब्लड रिसीव कर रहा है, जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसको बोलेंगे रेसिपिएंट, आ रहा समझ में। इफ एन इंडिविजुअल डोनेट हिज हर ब्लड नोन एज डोनर, इफ एन इंडिविजुअल रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द डोनर दैट इंडिविजुअल इज नोन एज रेसिपिएंट, आ रहा समझ में, ठीक है। और ये डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड मिक्स करने से पहले, ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम दोनों की पहले मैचिंग करेंगे, क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे, मतलब इसका ब्लड ग्रुप कौन सा पहले ये देखेंगे, यस अभी मैचिंग हमने देखा, हम इसकी भी मैचिंग करेंगे, यस ठीक है, मैचिंग करें, जिससे हमको ये पता चला, सपोज कि डोनर का भी ब्लड ग्रुप ए है, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, हमने ए ले लिया, और रेसिपिएंट का भी ब्लड ग्रुप ए है, आ रहा समझ में। मैचिंग के लिए हम क्या कर रहे थे, फिर से देख लेते हैं एक बार, जब हम मैचिंग कर रहे थे तो मैचिंग में एक्चुअल में हमने क्या किया था, हमने जो रेसिपिएंट है, मान लो इसका देख रहे हैं चाहे इसका, तो हम लेंगे रेसिपिएंट का ब्लड, यस मान के चलो कोई भी हो सकता है रेसिपिएंट, मेरा ब्लड ग्रुप आपको निकालना तो मेरे रेसिपिएंट ब्लड, और आपने एंटी सीरम का ले लिया टेस्ट सेरा, मतलब वही जो रेडी टू प्रिपेयर एंटी सीरम होगा, वो एक टेस्ट लगाने के लिए आया, तो नाम हो गया टेस्ट सेरा, यस। अब आपको क्रॉस मैचिंग करना है, क्या करना है, क्रॉस मैचिंग। सर ये क्रॉस मैचिंग क्या है, ध्यान से देखो, यस क्रॉस मैचिंग क्या है, मैचिंग करने के बाद जैसे ही दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो जाएगा, भलाई वो ए हो चाहे बी हो, ए बी हो, ओ कुछ भी हो, आ रहा समझ में, उसके बाद हम क्रॉस मैचिंग करेंगे। क्रॉस मैचिंग करने मतलब ये दोनों का ब्लड, मतलब डोनर का ब्लड रेसिपिएंट की बॉडी एक्सेप्ट कर पा रही या नहीं, इसके लिए क्रॉस मैचिंग मैंडेटरी है। सर डोनर का ब्लड रेसिपिएंट एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं, इवन आफ्टर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होने के बाद भी ये इसको रिसीव कर पा रहा है कि नहीं प्रॉपरली विदाउट एनी क्लंपिंग रिएक्शन, ओके,
क्रॉस मैचिंग इज मैंडेटरी, क्रॉस मैचिंग जरूरी है। क्रॉस मैचिंग के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मैचिंग के लिए हम लेंगे डोनर का ब्लड, डोनर का ब्लड, डोनर का ब्लड मतलब डोनर की आरबीसी ले लेंगे, ठीक है साहब मान गए। और जो रेसिपिएंट है, जो रेसिपिएंट है उसका एंटी सीरम ले लेंगे, मतलब उसका सीरम ले लेंगे, सीरम ऑफ रेसिपिएंट, आ रहा समझ में, और इन दोनों को मिक्स कर देंगे। यदि क्लंपिंग हो गई, आ रहा समझ में, इफ ए ग्लूटिनेशन अकर, इफ क्लंपिंग अकर, आ रहा समझ में, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे कि उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होने के बाद भी रिसिपिएंट की जो बॉडी है वो डोनर का ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, आ रहा समझ में। और यदि क्लंपिंग रिएक्शन नहीं हुई तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आगे बढ़ेंगे, आ रहा समझ में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, एनी डाउट, ठीक है। तो क्रॉस मैचिंग में आपको क्लंपिंग नहीं होनी चाहिए, इफ नो क्लंपिंग अकर, इफ नो क्लंपिंग अकर, ट्रांसफ्यूजन रिकमेंडेड, यस हम ट्रांसफ्यूजन को रिकमेंड कर देंगे, यस यस वी कैन प्रोसीड फॉर ट्रांसफ्यूजन, आ रहा समझ में, कोई डाउट, यस। सो हमने अभी देखा इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अच्छा एक और बात सुन लीजिए यहाँ पे, ये जो ट्रांसफ्यूजन है, ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको मालूम है, यस, जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, क्या है, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप मतलब नो एंटीजन, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, आ रहा समझ में, और एंटीबॉडीज ए बी एंटीबॉडीज, ए बी एंटीबॉडीज मतलब दोनों एंटीबॉडी है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है, यूनिवर्सल डोनर। अच्छा जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है साहब, उसके सीरम में नो एंटीबॉडीज, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, आ रहा समझ में, इफ नो एंटीबॉडी अकर, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यस, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, एनी डाउट, यस। सो यूनिवर्सल डोनर आपको समझ में आया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट समझ में आया, यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप वाला है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप है, यस और नॉट, ठीक है, यस। अब पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप, आ रहा समझ में, इनहेरिटेंस मतलब ये ब्लड ग्रुप पीढ़ी टू पीढ़ी कैसे आता है, तो जीन के थ्रू आता है, किसके थ्रू आता है, जीन के थ्रू, ओके साहब कोई इसमें नई बात नहीं है, आ रहा समझ में, बट इसमें नई बात क्या है, यस ये मेंडेलियन थ्योरी आपने सुना होगा, मेंडेलियन थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी कि यदि माँ का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का बी है, यस, तो बच्चे का क्या होगा, आ रहा समझ में, तो मेंडेलियन थ्योरी में अभी देखिए यहाँ पे जो ए और बी है, ए और बी एंटीजन ये दोनों डोमिनेंट है, क्या है, डोमिनेंट, आ रहा समझ में, और जो ओ है, और जो ओ है वो रेसेसिव है, ध्यान रखना, रेसेसिव है, आ रहा समझ में, डोमिनेंट मतलब यदि दोनों में से किसी एक के पास भी, एक के ब्लड में भी यदि ए है तो उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप भला ही माँ का ओ ब्लड ग्रुप हो, ए ही होगा, आ रहा समझ में,
तो ए और बी दोनों डोमिनेंट है, रेसेसिव आरा समझ में, रेसेसिव होने के लिए दोनों का ओ ब्लड ग्रुप होना जरूरी, तभी वो ओ होगा, आरा समझ में। खैर कम टू दी पॉइंट, बढ़ जाते हैं आगे। हमने क्या पढ़ा कि ये जो मेंडेलियन थ्योरी क्या बोल रही है कि जो ए और बी डोमिनेंट है ओ रेसेसिव है, और मेंडेलियन थ्योरी के हिसाब से ही प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, आ रहा समझ में, ये मेंडेलियन थ्योरी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जा रहे हैं कि सर ये ब्लड ग्रुप आता कब है, ब्लड ग्रुप मतलब एंटीजन, क्या एंटीजन जिसको बोलते हैं ए ग्लूटी नोजन, ए ग्लूटिनेजन का दूसरा नाम है एंटीजन। यस, ये एंटीजन पता है कब आता है बेबी में, मतलब फीटल लाइफ में, फीटल लाइफ इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब बच्चा माँ के पेट में है तब ये ए ग्लूटिनोजन, आ रहा समझ में, 6 मंथ ऑफ फीटल लाइफ में आते हैं, 6 मंथ ऑफ फीटल लाइफ। यस, फीटल की स्पेलिंग ये भी है और ये भी है, दोनों है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिर भी लिख दे रहा हूँ। यस, मतलब जब बेबी बच्चा पेट में 6 मंथ का हो जाएगा तब ए ग्लूटिनोजन्स आएंगे, आ रहा समझ में, ठीक है। मतलब जो ब्लड है वो अभी पूरी तरीके से पर्टिकुलर उसका ब्लड ग्रुप अभी डिसाइड नहीं हुआ, आ रहा समझ में, और जब उसका बर्थ हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट बर्थ, तो उसका जो कंसंट्रेशन ऑफ ए ग्लूटिनोजन है ना, वो 1/5 होगा, 1/5 ऑफ एडल्ट लाइफ। सर एडल्ट लाइफ मतलब ऐसे समझिए कि सपोज आप प्यूबर्टी की एज में पहुंचे, एडल्ट हुए, तो एडल्ट के समय जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, जैसे सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरा जो ब्लड ग्रुप का कंसंट्रेशन है ए का एडल्ट में, उसका 5 गुना कम एट द टाइम ऑफ बर्थ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो बनने स्टार्ट हुआ ना 6 मंथ में, इसकी अपेयरेंस ही 6 मंथ में हुई, तो जैसे इसका धीरे 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 कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंटीजन का, आरासान में बच्चे का जन्म हो चुका होगा, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, आ रहा समझ में, धीरे 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 ये बढ़ेगा फिर एडल्ट की लाइफ तक। यस, अच्छा और एंटीबॉडीज कब आएंगी? एंटीबॉडीज भी नहीं आई क्योंकि एंटीजन ही नहीं था, एंटीबॉडी कैसे आएंगी? तो एंटीबॉडीज कब आएंगी, ध्यान देना आप इधर, एंटीबॉडीज कब आएंगी, एंटीबॉडी एंटीबॉडी आएंगी 2 to 3 मंथ आफ्टर बर्थ, एंटीबॉडीज आएंगी 2 to 3 मंथ आफ्टर बर्थ, जन्म के 2 से 3 महीने बाद ए ग्लूटिनिन्स आएंगे, क्या आएंगे, ए ग्लूटिनिन्स। सर ए ग्लूटिनिन मीन्स एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी होंगी IgG IgM, आ रहा समझ में, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ए ग्लूटिनिन्स कब आते हैं, जन्म के 2 से 3 महीने बाद, क्या ये समझ में आ रहा है? यस, ठीक है, यस। नाउ हमने अभी मैचिंग पढ़ी, क्रॉस मैचिंग पढ़ी, आ रहा समझ में, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने इस पूरे ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ा, ट्रांसफ्यूजन को पढ़ा, यदि ट्रांसफ्यूजन इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गई, मतलब मिसमैच ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज हो गया, क्या पढ़ रहे हैं अपन, इनकॉम्पेटिबिलिटी, इन कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण क्या होने वाला है, किसकी इनकम्पेटिबिलिटी, ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब हमने जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था उसके हिसाब से भी यदि हमने धोखे से मिसमैच, क्रॉस मैचिंग के बाद भी मिस्टेक हो गई और मिसमैच ब्लड डाल दिया, मतलब जिसका ए ब्लड ग्रुप था उसमें बी डाल दिया, बी वाले में ए डाल दिया, ए बी वाले में कुछ और डाल दिया। अभी हमने मैचिंग पढ़ी, क्रॉस मैचिंग पढ़ी, क्रॉस मैचिंग करने के बाद भी यदि इन केस बाय मिस्टेक गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, मिसमैचिंग हो गई, उसके कारण जो इनकम्पेटिबिलिटी होगी, मतलब जो
क्या उसके बैड इफेक्ट दिख सकते हैं, नोन एज एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के कारण आपको क्या क्या एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं। आ रहा समझ में? सो मिसमैच मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज एडवर्स रिएक्शन। एक एडवर्स रिएक्शन होगी। आ रहा समझ में? ये एडवर्स रिएक्शन माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है एंड सीवियर भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन क्लंपिंग रिएक्शन और एग्लूटिनेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन ब्लड। आ रहा समझ में? इन द रेसिपिएंट्स बॉडी, जो रेसिपिएंट की बॉडी है उसमें कितनी सीवियरिटी से हो रही है ये डिपेंड करता है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में क्या होगा? फीवर, यस। स्किन में हीप्स आएंगे, मतलब रैशेस, एलर्जी यस, हीप्स यस, से लेकर रीनल शट डाउन मतलब किडनी काम करना बंद कर देगी, एक्यूट रीनल फेलियर यस, शॉक और डेथ। आ रहा समझ में? ये एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी है। आ रहा समझ में? सर ये क्यों होगा, ये क्यों होगा? आ रहा समझ में? कैसे होगा? तो इसका कॉज यस। अच्छा देखो, इधर देख, मान लो बाई मिस्टेक आपने, ये एक डोनर हो गया, ये एक रेसिपिएंट जिसको ब्लड मिल रहा है। आ रहा समझ में? यदि डोनर का ब्लड बाई मिस्टेक ब्लड में कोई एंटीबॉडीज है। आ रहा समझ में? मतलब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए, ठीक है, यस, नो एंटीबॉडी, समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक, यस, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है या उसकी करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं। आ रहा समझ में? आपने कोई ब्लड डाला, उस डोनर के ब्लड में यदि कोई ऐसी एंटीबॉडी जो इसको नुकसान करेगी, और यदि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर ही दिया तो क्या होगा? सीवियर रिएक्शन नहीं होगी, डिलेड रिएक्शन होगी। क्या होगी? तुरंत नहीं होगी और डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, मतलब डिलेड एग्लूटिनेशन होगा। डिलेड मतलब उतना सीवियर नहीं होगा, यस, मतलब वो नोटिसेबल नहीं होगा, यस। आ रहा समझ में? इट विल टेक टू मच टाइम। आ रहा समझ में? उसके कोई एसेस साइन एंड सिम्टम साइड इफेक्ट अपन को मेजरली नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी तो बहुत कम होगी ना, जो आप ब्लड डालते हो, थोड़ा एक लिमिट अमाउंट में डालते हो, और उसके शरीर में बहुत सारा ब्लड है, तो जब वो जाएगा तो पूरे में मिक्स होगा, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, इसके कारण मेजर इफेक्ट नहीं आएगा। बट यदि आपने डोनर का ब्लड ट्रांसफ्यूज करा, आ रहा समझ में, और रेसिपिएंट के प्लाज्मा में कोई ऐसी एंटीबॉडी है या ऐसी अगेंस्ट एंटीबॉडी है जो डोनर के ब्लड, मतलब आरबीसी पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगी, तो यहाँ पर सीवियर रिएक्शन होगी। आ रहा समझ में? यस, सीवियर रिएक्शन होगी, यस, तुरंत होगी, यस। ये रिएक्शन मे बी हीमोलिटिक हो सकती है, मे बी नॉन हीमोलाइटिक। दो प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन मतलब यहां पर तुरंत आरबीसी नहीं टूटेगी। आ रहा समझ में? यहां पे पेशेंट को ठंडी लगेगी, फीवर आएगा, चिल्स, यस, ब्रीथिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यस, ठीक है। बट हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी, मतलब आरबीसी टूट गई। आ रहा समझ में? तो सीवियर एलर्जी होगी,
सीवियर एलर्जी होगी। यस यस ब्रेथलेसनेस, डिस्निया हो जाएगा, डिस्पिनिया। यस याद रखने के लिए डिस्निया बोलते हैं इसको, आ रहा समझ में? पी साइलेंट है। यस डिस्निया हो जाएगा और उसके बाद इतना ज्यादा ब्लड टूटेगा कि शॉक हो जाएगा, आ रहा समझ में? शॉक, रीनल शटडाउन हो जाएगा। रीनल शटडाउन मतलब रीनल फेलियर, किडनी काम नहीं करेगी और लास्ट में पेशेंट की डेथ हो जाएगी, आ रहा समझ में? हीमोलाइटिक, आ रहा समझ में? यस कम टू द पॉइंट, बढ़ जाते हैं आगे। हमने क्या पढ़ लिया सर, ये है क्या? हमने पढ़ा कि जब मिसमैचिंग करेंगे तो डोनर का ब्लड और रेसिपिएंट का ब्लड में भी मिसमैचिंग यदि हुई तो कितने मेजॉरिटी में साइड इफेक्ट दिखेंगे। यस अब पढ़ रहे कॉज, सर ये एग्लूटिनेशन होता क्यों है, कैसे होता है? तो कॉज क्या है, इधर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए डोनर की आरबीसी आई, डोनर की आरबीसी मतलब डोनर का जो ब्लड है, डोनर का जो ब्लड है, यस डोनर का ब्लड में क्या होगी, आरबीसी। यस जैसे ये रेसिपिएंट की बॉडी में जाएंगे तो रेसिपिएंट के प्लाज्मा में, सीरम में IgG और IgM होंगे। यस मेजर जो एंटीबॉडीज होती है वो IgG होती है, 75% टोटल एंटीबॉडीज में IgG, IgA, IgM, Ig, IgD, आ रहा समझ में? ये तुरंत अटैक करेंगे। सो ये जो डोनर के RBC है ना, है ना, डोनर के ब्लड में जो RBC है, यस, और जो रेसिपिएंट के प्लाज्मा में IgG, IgM है, जिसको अटैक करेगी और तेजी से उसकी क्लंपिंग रिएक्शन कर जाएगी। दिस इज दी कॉज ऑफ एग्लूटिनेशन ऑफ ट्रांसफ्यूज ब्लड, आ रहा समझ में? नाउ वी टॉक अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, मतलब ट्रांसफ्यूजन के कारण क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे, यस, और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, क्लिनिकल फीचर ऑफ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन। सो क्लिनिकल फीचर ऑफ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन का पहला क्लिनिकल फीचर से जॉन्डिस दिख सकता है ड्यू टू हीमोलिसिस। हीमोलिसिस के कारण आरबीसी टूटेंगी, आरबीसी टूटेंगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, हीमोग्लोबिन से वही हीम अलग, ग्लोबुलिन अलग, पोरफायरिन, पोरफायरिन से बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन से ब्लूरूबिन, और एक्सेस अमाउंट में ब्लूरूबिन जब बढ़ेगा जॉन्डिस, आ रहा समझ में? यस जॉन्डिस हो जाएगा, फीवर, चेज, रिगर, आ रहा समझ में? नेक पेन, सांस लेने में दिक्कत, यस ईचिंग, रैसेस, ये सब होंगे। इसके साथ जो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आ रहा समझ में? इसके साथ जैसे जब आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटेगी तो एकदम से सडन फॉल इन दी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण शॉक हो जाएगा, पेशेंट सिंकोप में जाएगा, फेंट होने लग जाएगा, आ रहा समझ में? शॉक के बाद जब किडनी में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो एक्यूट रीनल फेलियर, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा ग्लोमेरुलस में बिकॉज ऑफ लेक ऑफ ब्लड और डिक्रीज इन द ब्लड, आ रहा समझ में? और फिर डेथ हो जाएगी, पेशेंट मर भी सकता है, आ रहा समझ में? ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए। यस ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट आरएच फैक्टर्स। अब क्या पढ़ रहे हैं, आरएच फैक्टर्स, व्हाट इज आरएच फैक्टर्स, आरएच फैक्टर क्या है? यस आरएच फैक्टर और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आ रहा समझ में? आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, इतना सब होने के बाद भी कॉर्लैंड स्टेनर ने ये मिस्ट्री को सॉल्व किया, उसके बाद भी बहुत मैचिंग, क्रॉस मैचिंग करने के बाद भी बहुत सारे लोगों में, कुछ लोगों में एग्लूटिनेशन दिख रहा था, मतलब समथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, अभी भी कुछ खोजना बाकी रह गया था, आ रहा समझ में? यस और बहुत ज्यादा स्टडी के बाद कुछ निकल के आया, वो क्या था, यहां पर रीसस मंकी में खोज की गई, किसमें, रीसस मंकी में, रीसस मंकी एक बंदर में खोज की गई। यस स्टडी जो की गई थी वो एक बंदर में की गई थी, आ रहा समझ में? ठीक है, यस और इस रीसस मंकी में देखा गया कि
इसमें एक स्पेसिफिक एंटीजन्स होता है, और किसमें, आरबीसी की सरफेस में, मतलब ए तो था बी तो था, और अलग जब स्टडी करते तो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ एंटीजन्स आर देयर, यस, उसमें मिला हमको एंटीजन ए, एंटीजन ए आर एच एंटीजन, आ रहा समझ में, आर एच एंटीजन ए बी सी डी ई, आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन ए बी सी डी ई, ओके मान गए। इसमें से सबसे ज्यादा जो पावरफुल था वो डी था, आ रहा समझ में, वो डी था, मतलब जिस पर्सन में डी होगा, एंटीजन डी होगा, डी एंटीजन होगा, वो पॉजिटिव कहलाएगा, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, जैसे ए पॉजिटिव, मतलब ए ब्लड ग्रुप और डी एंटीजन है, इफ डी एंटीजन नहीं है, मिसिंग है, डी एंटीजन एब्सेंट है, तो वो कहलाएगा नेगेटिव, क्या कहलाएगा वो, नेगेटिव, क्या क्लास समझ में आ रही है, मतलब उसके बॉडी में, उसके आरबीसी में डी एंटीजन नहीं है, आर एच डी एंटीजन नहीं है, इसलिए हम उस पर्सन का बोलेंगे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, वॉट एवर, आ रहा समझे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बट कम्स फ्रॉम दी एंटीजन डी, जो कि रिसर्च मंकी में खोजा गया, आ रहा समझ में। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो इसकी डिस्कवरी करी थी कार्ल लैंड स्टेनर, ये तो आप जानते ही हैं, यस, एबीओ ब्लड ग्रुप की स्टडी भी इन्होंने करी और इसकी भी इन्होंने ही करी, बट साथ में एक और साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड स्टेनर प्लस विनर, उस साइंटिस्ट का नाम था विनर, ये दो साइंटिस्ट ने मिलके आरएच फैक्टर खोजा, डिस्कवरी ऑफ आरएच फैक्टर, और अब दोनों में से किसका नाम दिया जाए, जैसे लैंड स्टेनर लॉ ने तो अपना लॉ दे दिया था कार्ल लैंड स्टेनर ने, और इनको नोबेल प्राइज मिला, तो इन दोनों के नाम में से किसका नाम पहले रखा जाए, यस, ये गहन विचार का मुद्दा आ गया, यस, और दोनों में फिर ऐसी सहमति बनी कि ना तुम्हारा नाम दो ना हमारा नाम दो, पूरा का पूरा क्रेडिट मंकी को दो, और पूरा क्रेडिट कौन ले गया, मंकी, दो भाई की फूट जगत की लूट, आ रहा समझ में, तो ये जो आरएच मंकी है, आ रहा समझ में, आरएच मंकी मतलब रीसस मंकी का दो वर्ड शुरू कर लिया गया और वर्ड रखा गया आरएच फैक्टर, क्या क्लास समझ में आई, रीसस मंकी, रीसस मंकी में डिस्कवरी हुई, द वर्ड कम्स फ्रॉम द रीसस आरएच, यस, कोई डाउट, यस। अब पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ आरएच फैक्टर, ये जो आरएच फैक्टर्स है ना, यस, ये जीन के थ्रू है ना जनरेशन वाइज जनरेशन जाता है, यस, जो डोमिनेंट है वो डी है और जो रेसेसिव है वो ये है, आ रहा समझ में, ठीक है, यदि ये भी कंडीशन रही तो भी पंदा पॉजिटिव रहेगा, ये कंडीशन भी रही तो भी पॉजिटिव रहेगा, बट यदि ये कंडीशन रही तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहेगा, आ रहा समझ में, ठीक है, यस, इनहेरिटेंस। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्या पढ़ रहे हैं हम, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, सर आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, ध्यान से सुनो, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब आरएच इनकम्पेटिबिलिटी वो कंडीशन जिसमें डोनर का जो ब्लड होगा, जो डोनर ब्लड होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा, क्या होगा, और जो रेसिपिएंट होगा, रेसिपिएंट वो आरएच नेगेटिव होगा, आ रहा समझ में, यस, और मैंने आपको बताया था कि कार्ल लैंड स्टेनर का जो लैंड स्टेनर लॉ जो यहाँ लिखा था मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेकेंड लॉ आरएच फैक्टर में एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब इफ पर्टिकुलर एंटीजन्स आर देयर, देयर करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट, आ रहा समझ में, इफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज देयर, देयर करेस्पॉन्डिंग एंटीजन मस्ट बी
एब्सेंट। आ रहा समझ में? ये था सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ आरएच फैक्टर में एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ध्यान से सुनो, क्योंकि जिस पर्सन की ब्लड में आरएच एंटीजन है, नेचुरली एंटीबॉडी डी, आरएच एंटी डी नेचुरली एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? नेचुरली एब्सेंट है, मतलब ये एंटीबॉडी जनरली आरएच नेगेटिव वाले पेशेंट में एब्सेंट रहती रहती नहीं है, जबकि नियम के हिसाब से तो रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आरएच एंटीजन नहीं है भाई, डी एंटीजन नहीं है ना, आरएच डी एंटीजन, तो यहाँ पे आरएच एंटीबॉडी होनी चाहिए कि नहीं, एंटी डी, बट इसमें नहीं है, मतलब ना ही आरएच नेगेटिव पेशेंट जो है, ना ही इसमें आरएच एंटीजन है, आरएच मतलब ना ही डी एंटीजन है। सो जो रेसिपिएंट है आरएच नेगेटिव, यस, इफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में जो आरएच नेगेटिव है उसमें ना तो आरएच डी एंटीजन है, ना ही डी एंटीजन है, ना ही डी एंटीबॉडी है, दोनों नहीं है, नेचुरली ये दोनों एब्सेंट रहते हैं। यस, हम क्या पढ़ रहे हैं? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। सो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, यस, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में आरएच पॉजिटिव जो डोनर है, मतलब आरएच डी एंटीजन होगा उसके ब्लड में। सपोज यहाँ पे डोनर कौन है? आरएच डी एंटीजन मतलब पॉजिटिव, यस, उसने ब्लड दिया, ब्लड दिया मतलब रेसिपिएंट को, वो आरएच नेगेटिव है, मतलब डी एंटीजन एब्सेंट है, डी एंटीजन एब्सेंट है, और एंटीबॉडी डी भी एब्सेंट है, एंटीबॉडी डी भी एब्सेंट है, दोनों एब्सेंट है, ठीक है, यस। जब पहली बार ब्लड मिक्स होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो क्लंपिंग रिएक्शन अकर, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया, यस, कि जो आरएच नेगेटिव है इसके इसमें ना तो एंटीजन होता, ना एंटीबॉडी, तो रिएक्शन होगी कैसे? बट जब ये एंटीजन अंदर जाएगा रेसिपिएंट के, तो धीरे धीरे आफ्टर कपल ऑफ टाइम्स एंटीबॉडी डी बनेगी, एंटीबॉडी डी बनेगी, और ये जो एंटीबॉडी डी है, जैसी एंटीबॉडी डी बनेगी, ये जो डोनर से जो ब्लड आया है उसका क्लंपिंग करना स्टार्ट कर देगा, मतलब डिलेड रिएक्शन होगी। क्या होगी? डिलेड रिएक्शन, जो कि नोटिसेबल नहीं होगी, बहुत टाइम ले लेगी, ओके, इट विल टेक टू मच टाइम्स। आ रहा समझ में? क्योंकि एंटीबॉडी बनने में भी टाइम लगेगा, बट हाँ, एक बार एंटीबॉडी बन गई, यस, तो अब ये एंटीबॉडी ब्लड में दौड़ते रहेगी। वेन एवर दी आर एच पॉजिटिव ब्लड कम्स अगेन इन दी आर एच नेगेटिव, अब उसी इंडिविजुअल पेशेंट में फिर से जब दोबारा अगेन आर एच पॉजिटिव ब्लड इंटर करेगा आर एच नेगेटिव पेशेंट में, सेम पेशेंट में, तो क्या होगा? तुरंत सीवियर क्लंपिंग रिएक्शन होगी, सीवियर क्लंपिंग रिएक्शन टेक प्लेस, सीवियर क्लंपिंग रिएक्शन होगी, एग्लूटिनेशन होगा, यस, और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो उल्टी बैठ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव के रिएक्शन हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। एनी डाउट? यस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। आ रहा समझ में? इट इज ऑल्सो नोन एज हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न बेबी है उनमें हीमोलाइटिक जो डिसीज है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या है?
एरिथ्रो मतलब रेड, ब्लास्टोसिस फॉर्मिंग सेल इन फीटस। यस, जो बच्चा माँ के पेट में आ रहा, समझ में, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस में डिसीज हो रही, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये क्या है, ध्यान से सुने। यस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वो कंडीशन जिसमें सपोज मदर आरएच नेगेटिव है और जो बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है। चलिए मान गए मदर क्या है, आरएच नेगेटिव, मतलब एंटीजन डी नहीं है, आरएच एंटीजन, और जो बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है। सर बेबी आरएच पॉजिटिव कैसे आया, ये फादर से आया। आ रहा समझ में, जब फर्स्ट बेबी होगा, पहला बेबी होगा, आ रहा समझ में, आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव मतलब इसमें एंटीजन डी है, एंटीजन डी है, यहाँ पर एंटीबॉडी डी, एंटी बॉडी डी नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। जो फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट बेबी नॉर्मल, नॉर्मली कम्स आउट, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आ रहा समझ में, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आ रहा समझ में सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो एंटीजन डी है प्लासेंटा के कारण, किस बैरियर के कारण, प्लासेंटल बैरियर के कारण, ये जो एंटीजन डी है बेबी से मदर में नहीं जा पाएगा। आ रहा समझ में, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी मतलब ये काय की डिलीवरी हो रही, पांच पिज्जा की हो रही क्या, नहीं, इसको बोलेंगे पॉस्चुरेशन। आ रहा समझ में, यस, ठीक है, डिलीवरी हो रही बच्चे का, पॉस्चुरेशन जिसको बोलते हैं। आ रहा समझ में, क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। आ रहा समझ में, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। आ रहा समझ में, वो जो प्लासेंटल बैरियर है, आ रहा समझ में, प्लासेंटल बैरियर कट करते हैं सीजर करते समय, जब कट करेंगे तो कट करते समय जो बेबी का ब्लड है, फीटस का जो ब्लड है, जो बेबी ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, मदर में, और जैसी मदर में पहुँचेगा तो बेबी के ब्लड में क्या, एंटीजन डी, मतलब एंटीजन डी मदर में आ गया, और जैसे ही एंटीजन डी मदर में आएगा, आ रहा समझ में, आफ्टर कपल ऑफ टाइम्स कुछ समय में मदर में एंटीबॉडी बन जाएगी। ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, एंटीजन डी के, एंटी डी, एंटीबॉडी डी। आ रहा समझ में, नाउ नाउ ये सेम प्रोसेस जब दोबारा बच्चा होगा, माँ मदर अगेन कंसीव सेकेंड बेबी, जैसी सेकेंड बेबी कंसीव करेगी, आ रहा समझ में, तो कंडीशन सेम रहेगी, मदर अभी भी आरएच नेगेटिव है बट इसमें एंटीबॉडी बन चुकी है, अभी पढ़ा हमने, ये एंटीबॉडी बन चुकी है ना, बच्चा अगेन आरएच पॉजिटिव होगा क्योंकि फादर सेम है, चेंज हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आ रहा समझ में, आरएच पॉजिटिव कौन, बेबी, ठीक, यस, जैसे ही बेबी कंसीव होगा, आ रहा समझ में, ये एंटीबॉडी प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएगी, प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी के ब्लड में चली जाएगी और क्लंपिंग रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, क्लंपिंग मतलब एग्लूटिनेशन हो जाएगा। आ रहा समझ में, एग्लूटिनेशन होने के कारण जो बच्चे का ब्लड है आरबीसी तेजी से टूटेगी। आ रहा समझ में, तो सीवियर एनीमिया हो जाएगा और एनीमिया इतना सीवियर होगा कि जो एरिथ्रोब्लास्ट है, जो फॉर्मिंग आरबीसी है, वो ब्लड में आ जाएंगी। आ रहा समझ में, तो क्या नाम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्मिंग सेल इन फीटस, फीटस में आपको एरिथ्रोब्लास्ट मिल जाएंगी, फॉर्मिंग सेल, इमेच्योर सेल। आ रहा समझ में, सीवियर एनीमिया होने के कारण इतनी ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाएगी कि उसके ब्लड में हमको एरिथ्रोब्लास्टोसिस दिखेगी। ये फीटस में दिख रही है तो डिसीज का नाम हुआ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या ये समझ में आया, ठीक है।
तो बच्चे में और क्या हो सकता है? जब सीवियर एनीमिया होगा, मतलब आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रही, तो हीमोग्लोबिन बाहर आएगा। आ रहा समझ में? प्लाज्मा का लेवल बढ़ते जाएगा, क्योंकि आरबीसी टूट रही है, मतलब ब्लड का पानी बनेगा, जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, मतलब फ्लूड बढ़ते जाएगा, जिसके कारण पेशेंट को, मतलब बच्चे को एडिमा होगा। क्या होगा? एडिमा, मतलब सीवियर एनीमिया के साथ उसको एडिमा होगा, और एडिमा इतना ज़्यादा होगा कि डेथ भी हो सकती है, मतलब सेकेंड बेबी मरा हुआ पैदा होगा। आ रहा समझ में? मर जाएगा। और तीसरा हो सकता है, जब सीवियर एनीमिया होगा, सीवियर क्लंपिंग रिएक्शन होगी, सीवियर क्लंपिंग रिएक्शन के कारण जॉन्डिस हो जाएगा बेबी में, फीटस में जॉन्डिस, और ये जॉन्डिस के कारण बिलिरुबिन का लेवल इतना बढ़ेगा कि ये प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाएगा। सर ये, सॉरी, प्लासेंटल नहीं, ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये जो बिलिरुबिन है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाएगा? ब्रेन में। सर ये ब्रेन में कैसे जा सकता है सर? क्योंकि जो बेबी है, फीटस है, उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, इमेच्योर रहता है, इजीली क्रॉस हो जाएगा, और ब्रेन में पहुंच के ये जो डिसीज करेगा, वो डिसीज यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कर्निक टेरस या एक टेरस, मतलब होता है जॉन्डिस, कर्न एक टेरस। आ रहा समझ में? यस, जॉन्डिस इन ब्रेन, और ये ब्रेन को डैमेज कर देगा। ब्रेन के किस किस को? हिप्पोकैम्पल लोब को, सेरेब्रम को, जो जितने भी आपने कॉर्टिकल पार्ट सुने, सबको डैमेज कर देगा। आ रहा समझ में? बच्चा यदि बच गया, तो आफ्टर बर्थ जब क्राई करेगा, आ रहा समझ में, क्राई करेगा तो उसका साउंड बहुत अजीब सा होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, उसकी जो रिप्स है, उस रोते समय उसको दर्द होगा, क्योंकि उसकी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स है वो भी डैमेज हो जाएंगी, मतलब पैरालाइज कंडीशन में रहेगा। आ रहा समझ में? प्रॉपरली उसके बॉडी फंक्शन है, काम नहीं कर पाएंगे। आ रहा समझ में? और यदि वो सर्वाइव कर भी गया, आ रहा समझ में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? यस, बच्चे का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। बच्चे को हम RH नेगेटिव वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, RH नेगेटिव होने के कारण ना तो इसमें एंटीजन होगा ना एंटीबॉडी, तो क्लंपिंग रिएक्शन क्या होगी? धीरे 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 कम होती जाएगी, और उसके सर्वाइवल रेट बढ़ जाएंगे। आ रहा समझ में? ठीक, अच्छा, नाउ मदर में क्या करेंगे कि ऐसा ना हो? तो मदर में एज अ प्रोफाइलेक्टिक 28 to 34th ऑफ वीक में हम उसको एंटीजन डी लगा देंगे, एंटीजन डी। आ रहा समझ में? और यदि उसके साथ ऐसा हो चुका है, आ रहा समझ में, तो आफ्टर डिलीवरी पास्चुरेशन के बाद 24 to 48 hours के अंदर, आफ्टर पास्चुरेशन 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हम उसको डायरेक्ट एंटीबॉडीज लगा देंगे, एंटीबॉडी डी। जिससे क्या होगा सर? यदि आपने बॉडी में या किसी और ऑर्गन में, किसी और की बॉडी में कोई एंटीबॉडीज बनी और डायरेक्ट आप उसको ट्रांसफ्यूज करते हो, तो वो होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगी वो आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल में आएगी पैसिव इम्यूनिटी। तो ये पैसिव इम्यूनिटी दे देगा मदर में। यस, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था हेपेटाइटिस, उसमें जब पढ़ाया था आपको। आ रहा समझ में? यस, हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन होता है वो सीरम। आ रहा समझ में? ठीक है, तो हम उसको एंटीबॉडी डी लगा देंगे, पैसिव इम्यूनिटी देगा, जिसके कारण पैसिव इम्यूनिटी होने के कारण ये क्लंपिंग रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उतनी सीवियर रिएक्शन नहीं होगी। आ रहा समझ में? कि यस, पता है बॉडी को, यस ये होता है। आ रहा समझ में? तो तुरंत ये रिएक्शन नहीं होगी। हैंस कंप्लीटेड हेयर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस एंड ऑल अबाउट दी ब्लड ग्रुप RH फैक्टर एंड ऑल। ओके, थैंक यू।